कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 के बारे में। इंग्लैंड में चल रही गैंग्स के बेस इस पूरी सीरीज को बनाया गया है और इसके एक्सेंट्स काफी कॉकी हैं, इसीलिए इसे एक्सप्लेन करना काफी जरूरी था। तो चलिए स्पॉइलर्स के साथ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. द ग्रेट वॉर, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से भी जानते हैं, वहां से जिंदा लौट कर आए शेल्बी फैमिली ने अपनी खुद की गैंग शुरू की। नाम रखा गया पीकी ब्लाइंडर्स क्योंकि ये लोग अपने हैट्स में ब्लेड रखते हैं और सीधा आंखों पर वार करते हैं। इस गैंग के लीडर हैं थॉमस शेल्बी, जो आर्मी में सर्जेंट मेजर थे। यहाँ वो जादू टोना करवाता है ताकि उनका घोड़ा रेस में फर्स्ट आए। मेन बिजनेस इनका रेसिंग गेम्स में बेटिंग लगाना है। ये लोग ऑपरेट करते हैं बर्मिंघम से और इनके ब्रिटिश एक्सेंट काफी वियर्ड हैं, लेकिन अगर आपने लास्ट किंगडम सीरीज देखी है तो ये बस पानी कम चाय लगेंगे। पीकी ब्लाइंडर्स फैमिली मीटिंग अरेंज करते हैं और मिलिए गैंग मेंबर्स से। सबसे बड़ा भाई आर्थर शेल्बी, सबसे छोटा भाई जॉन शेल्बी, उनकी सिस्टर एडा शेल्बी जो काफी क्यूट है, और उनकी आंट पॉली जो रियल रूथलेस मेंबर है। वॉर के दौरान सारा बिजनेस यही चलाती थी क्योंकि बॉयज सारे फ्रांस में थे। उन्हें पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक न्यू कमिश्नर आया और आते ही उसने पुलिस डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट बढ़ा दी है। पूरे बर्मिंघम एरिया को प्रॉब्लम हो सकती है, पर टॉमी बताता है कि ये सब कम्युनिस्ट्स को रोकने के लिए हो रहा है, जो उस टाइम काफी फैशन में था, स्पेशली वर्कर्स में। मिलिया डी थ्रोन से, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर है और काफी रेबल बंदा है, वो लोग रेगुलरली इस पब में आते हैं जिसका नाम है गैरिसन। यहाँ इंसिडेंट हो जाता है। ये बंदा जिसका नाम डैनी है, वो PTSD से गुजर रहा है। वो रियली दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है, इसीलिए इस बंदे को थोड़े थोड़े टाइम पर दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन ग्रुप मिलके उसे संभाल लेते हैं। एडी और टॉमी बात करते हैं और फ्रांस में एडी ने टॉमी की जान बचाई थी, पर एडी को माफियागिरी पसंद नहीं है। वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, पर फिर भी उनकी नोकझोंक चालू रहती है। इंस्पेक्टर कैंपबेल बर्मिंघम आते हैं और उन्हें प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने भेजा था क्योंकि ब्रिटिश आर्मी का एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट मिसिंग हो गया। वो उन वेपन्स को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। टॉमी आंट पॉली को बता देता है कि गन्स उनके पास हैं। उसने अपनी गैंग मेंबर्स को पेट्रोल बाइक्स चुराने को बोला था, लेकिन वो गलती से गन्स उठा लाए। टॉमी की सिस्टर एडा का फ्रेडी के साथ अफेयर चल रहा है, जो काफी बड़ा सीक्रेट है। यहाँ गैरिसन में ग्रेस बर्गर्स की एंट्री होती है, जो यहाँ जॉब के लिए आई है, पर ऐसी जगह में वो काम नहीं कर पाएगी। वो काफी अच्छा गा सकती है और आयरिश होने के कारण ड्रिंक्स में भी उसकी मास्टरी है, इसलिए उसे जॉब पर रख लिया गया। रियली में वो कैंपबेल की एक सीक्रेट एजेंट है, जो यहाँ रहकर शेल्बी फैमिली पर नजर रखेगी। आर्थर को पसंद नहीं आता कि टॉमी मैचेस फिक्स कर रहा है, क्योंकि इससे उनका झगड़ा बिली किम्बर के साथ हो जाएगा, जो पूरा नेटवर्क चलाते हैं। थोड़े टाइम बाद कैंपबेल आर्थर को पकड़ जाते हैं और उसकी धुलाई करके उसे गन्स के बारे में पूछते हैं, पर उसे कुछ पता नहीं था। डैनी यहाँ PTSD में किसी इटालियन बंदे को मार देता और वो लोग इसका बदला लेंगे और उसे टॉर्चर करके मार देंगे, पर टॉमी कहता है कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे खुद गोली मार देगा जिससे उसे पीसफुल डेथ मिल सके। रियली में वो मरा नहीं था, बस उसे बेहोश किया गया था। टॉमी ने उसके लिए एक काम रखा है और अंकल चार्ली ने उसे बचा लिया, जो गैंग के एक लॉयल मेंबर है। टॉमी, आर्थर और जॉन मिलते हैं जॉनी डॉग से, जो जिप्सी ग्रुप से बिलोंग करता और वो उनका एक काफी अच्छा दोस्त है। वो उन्हें घोड़े की एक डील करवाता और इसके बाद टॉमी का यहाँ कुछ लोकल ली बॉयज के साथ झगड़ा हो जाता और वो लोग स्लो मोशन में इन्हें मारते हैं। कैंपबेल स्पेशल यूनिट्स के साथ सरप्राइज रेड करते हैं और सभी कम्युनिस्ट और पीकी ब्लाइंडर्स का क्रैक डाउन करते हैं, जिससे गन्स को फाइंड किया जा सके। फ्रेडी और एडा तब साथ में ही थे और वो उसे एक आंटी के घर छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाता है। कैंपबेल को लगा था कि आंट पॉली लीडर होगी, जिससे वो उन्हें डिसरेस्पेक्टफुली हैरेस करता है, लेकिन लीडर टॉमी है, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। टॉम को जब इस बात का पता चलता है, तब वो सीधा अपने पूरे एरिया में ऑर्डर भेजकर किंग के पिक्चर्स को जलाना शुरू करता है। इस टाइप की न्यूज इंग्लैंड में तुरंत वायरल हो जाती है, जिस कारण से विंस्टन चर्चिल कैंपबेल को गालियां देकर सारा मामला रफा दफा करने को बोलते हैं। टॉमी फाइनली कैंपबेल से मिलता और उसे फियरलेसली धमकी देता है कि अगर उसे या फिर किसी भी दूसरे पीकी ब्लाइंडर्स के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया तो वो सारी गन्स को आयरे को बेच देंगे। ये एक्चुअली आयरिश लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। टॉमी कैंपबेल को गन्स रिटर्न कर देगा अपना काम हो जाने के बाद, जिससे दोनों का फायदा है।
कैंपबेल इससे अग्री करता है पर ग्रेस को टॉमी के पीछे जाने को बोलता है जिससे उन्हें लोकेशन जल्दी मिल सके। यहाँ एडा प्रेग्नेंट है और इस बात का पता आंट पॉली को चल गया। ये वैसे काफी वियर्ड वे है चेक करने का, पर ब्रिटिशर्स का यही स्टाइल है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर, टॉमी को एक बुलेट वाला मैसेज मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा था। ये भेजी थी ली क्लैन ने, जिसका मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। टॉम को पता चल गया कि एडा प्रेग्नेंट है, तो वो उससे मिलने थिएटर जाता है और उसे पता चलता है कि वो फ्रेडी थ्रोन का बेबी है। थॉमस सस्ते नशे करके सो जाता और वर्ल्ड वॉर वन के सर्वाइवर्स को वैसे भी नींद नहीं आती। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है कर्ली, जो दिमाग से थोड़ा वीक है बट फैमिली के साथ काफी लॉयल है। वो टॉम को बताता है कि उनके घोड़े को ली बॉयज ने कर्ज किया है और इसीलिए वो मर रहा है। टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो उस घोड़े को गोली मार देता है। यहाँ से रिटर्न होने के बाद वो ग्रेस से मिलता और वो उसे एक गाना सुनाती है और यही हमें ये फेमस सीन देखने मिला। Sad. Okay, but I warn you, I'll break your heart. Already broken. नेक्स्ट डे एडा और पॉली स्टेशन जाते हैं जहाँ उन्हें फ्रेडी मिला और वो एडा को प्रपोज करता है। एंड पॉली उसे बताती है कि उसे बर्मिंघम छोड़कर चला जाना चाहिए, लेकिन वो टॉमी से नहीं डरता इसीलिए वो यहीं रहेगा। बिली किम्बर अपनी गैंग मेंबर्स के साथ टॉमी से मिलने आता है और वो अच्छे मूड में नहीं है क्योंकि टॉमी ने रेसेस फिक्स करके उसे बड़ा वाला चूना लगाया है। टॉमी जानता था कि इनकी भी ली गैंग के साथ वॉर चल रही है, तो वो उसे अलायंस ऑफर करता है जिससे कॉमन एनिमी को टारगेट किया जा सके, जिसे बिली एक्सेप्ट कर लेता है। थॉमस बिली किम्बर की रेस में जाने वाला था और इसीलिए वो ग्रेस को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। उन्होंने रियली गन्स वाली बात सीक्रेट रखी थी, फिर भी कुछ IRA मेंबर्स टॉम्स की गन्स के बारे में पूछने आ जाते हैं और टॉम उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता, पर ग्रेस उन्हें सुन लेती है और वो उनमें से एक को फॉलो करने जाती है जो उस पर अटैक करता है। ग्रेस उसे मारकर यहाँ से चली जाती है, जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फ्रेडी और एडा मैरिज कर लेते हैं और टॉमी को इस बारे में पता चलता है। उसने एक्चुअली पुलिस को प्रॉमिस किया था कि फ्रेडी सिटी छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अब वो नहीं गया, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आर्थर थॉमस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने गन्स वाली बात छुपाई। मर्डर अप करने के लिए टॉमी उसे बार खरीदने की ऑफर देता है, जिससे वो खुश हो गया। फ्रेडी टॉमी को धमकाने की ट्राई करता है, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आता। रात को डैनी लंदन से रिटर्न होता है और टॉमी को बताता है कि IRA पीकी ब्लाइंडर्स पर भड़के हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनका एक बंदा पीकी ब्लाइंडर्स ने मार दिया, रियली में वो ग्रेस ने मारा था, पर इन्हें कहां पता है। नेक्स्ट डे ग्रेस और टॉमी रेसेस देखने जाते हैं, जबकि बाकी की गैंग या लोग इकट्ठा करके ली बॉयज की बजाने वैसे किसी को इस तरीके से मारना और उसका आधा कान काट देना काफी ब्रूटल है, पर यही इनका स्टाइल था। टॉमी और किम्बर की डील होती है, पर वो 2 घंटे के लिए ग्रेस को अपने पास रखेगा। टॉमी इसे अलाउ कर देता है, पर बाद में उसका मन बदल गया और इसीलिए वो उसे रोकने चला जाता है। जब बिली किम्बर उसे पूछता है कि क्यों, तो वो बताता है कि इसे कोई सेक्सुअल डिजीज है। Start of the day, I was Lady Sarah of Connemara. By the end, I was a whore with a clap. You're a fucking bastard offering me like that. जॉन सबको मीटिंग के लिए बुलाता और गैंग का अकाउंटेंट स्कूबर्ट ऑफिस संभाल रहा था। जॉन बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ के बाद से वो ट्रबल में है और उसे अपने किड्स को मदर का प्यार देना है, इसीलिए वो लिजी स्टार्क से मैरिज करेगा। लिजी एक्चुअली एक प्रोस्टिट्यूट है, इसीलिए फैमिली अप्रूव नहीं करती। टॉम का सबसे छोटा भाई फिन आके सबको बताता है कि उन्हें लूट लिया गया, गैंग के सारे पैसे उठा लिए गए और ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ उन्हें मिलता है एक वायर कटर, जिसका मीनिंग यहाँ पर एक बूबी ट्रैप लगाया गया है। टॉमी और बाकी की गैंग इस चीज को वर्ल्ड वॉर वन में यूज करती थी, जहाँ वो जर्मन्स को एडवांस होने का मौका देते थे और एज ए जोक वहाँ वायर कटर रखा जाता था। टॉमी ग्रेनेड को फाइंड करने जाता और लिटिल फिन टॉमी की कार में था। वो वहां से मजाक में निकल जाता और बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला था, पर टॉमी उससे पहले उसे थ्रू कर देता है। ये एकदम ओवर द लाइन था क्योंकि इसमें एक बच्चे की जान जाने वाली थी, इसलिए टॉमी सीधी सामने वाली ली फैमिली से पाले की डिमांड करता है। वो या उनकी हेड से पीस नेगोशिएशंस करता है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बिली किम्बर को दगा देने ही वाला था। ली फैमिली हेड इससे एग्री नहीं करती क्योंकि वो अपने अभी के अलाय को धोखा दे सकता है, तो वो उन्हें भी धोखा दे सकता है।
पॉली को एक कम्युनिस्ट के बारे में पता चलता है जिसके पास 200 पाउंड कैश है जो रशियन गवर्नमेंट ने उसे दिए थे। वो ये इन्फो टॉमी को पास करती है और टॉमी ये कैंपबेल को ताकि वो फ्रेडी और एडा को परेशान ना करे। कैंपबेल धमकी देता है कि अगर टॉमी ने जल्दी गन्स हैंडओवर नहीं की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पर टॉमी कूल हेडेड है या फिर नहीं या फिर था एक्चुअली वेट है अभी भी। पॉली फ्रेडी को वार्न करती है कि बर्मिंघम छोड़कर चला जाए लेकिन वो नहीं मानता। बिली कैंपबेल खुद शेल्बी हाउस आकर टॉमी को उनका बैटिंग लाइसेंस देके जाता है। टॉमी लिजी से बात करता और उसे लास्ट टाइम सेक्स के लिए पैसे देता है जो वो मान गई। क्लियरली ये एक टेस्ट था जो वो पास नहीं कर सकी और इसीलिए मैरिज कैंसिल। टॉमी को अभी भी थोड़ा शक है कि ग्रेस पाई है क्योंकि वो काम के बारे में कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही थी। फिर भी टॉमी उसे चर्च लेकर जाता और यहाँ उसे अपनी मैनेजर बनाता है। सेम वैसे ही जैसे बिली कैंपबेल के पास किंग अल्फ्रेड है, वो दोनों किस भी शेयर करते हैं और ग्रेस को भी टॉमी के लिए फीलिंग्स हैं जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नेक्स्ट डे पूरी गैंग ली का मामला सुलटाने जाती है और जॉन बैटल के लिए प्रिपेयर्ड था, पर यहाँ कोई फाइट नहीं होती। मैरिज पीस डिक्लेरेशन की जाने वाली थी और मैरिज होगी जॉन की, और उसका रिएक्शन रियली काफी हेल्दी था। उनकी मैरिज में एडा भी आती है और वेडिंग में हमें मिलती है एस्मे जो ज्वाइन करेगी पीकी ब्लाइंडर्स को। मैरिज के तुरंत बाद एडा ड्रंक हो जाती है और टॉमी को गालियां देना शुरू करती है, लेकिन तभी वो लेबर में गई इसीलिए उसे यहाँ से ले जाया गया। उसके यहाँ एक हेल्दी बेबी का जन्म हुआ और फ्रेडी उससे मिलने आता है पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। टॉमी का इसमें कोई हाथ नहीं था, इन्फो ग्रेस ने पास की थी लेकिन सूली पर उसे ही चढ़ाया गया। एडा फैमिली के साथ रिलेशनशिप कट कर लेती है क्योंकि उसे लगता है टॉमी ने फ्रेडी को जेल भिजवाया। टॉमी ग्रेस के सामने कैलेंडर में डेट मार्क करता है जिस दिन वो बिली कैंपबेल को डाउन करेंगे। आर्थर अपने बॉक्सिंग क्लब में ही था कि उसे मिल गए आर्थर सीनियर जो गैंग के फादर है। वो उसे घर इन्वाइट करता है पर टॉमी एंड फैमिली उसको पसंद नहीं करती क्योंकि वो फैमिली को छोड़कर चला गया था। ग्रेस को पता चलता है कि गैंग रेगुलरली डैनी को लंदन भेजती है लेकिन वो तो मर गया था। टॉमी डेली उसकी ग्रेव पर जाता है और रियली हम जानते हैं कि उसकी मौत नहीं हुई थी और इसी कारण से ग्रेस को पता चल गया कि गन्स शायद यहीं रखी होगी। आर्थर सीनियर बताता है कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, वो लोग अमेरिका में कसीनो चालू कर रहे हैं और इसीलिए आर्थर जूनियर उसे गैंग के फंड में से कुछ पैसे का इंतजाम करके देता है। एक आयरिश टॉमिस से मिलने आ गया और जिस बंदी को ग्रेस ने मारा था वो उसका रिलेटिव था। टॉमी यहाँ पीस की बात करता और उसे गन्स चाहिए और इसीलिए टॉमी उन्हें राइट प्राइस पर वो बेच देगा। रियली में टॉमी ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो कैंपबेल से हेल्प मांगता है कि पुलिस उसे असिस्ट करेगी। आर्थर जूनियर आर्थर सीनियर को पैसे देता और वो उसे सेंडी लगाकर निकल जाता और वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये बंदा रियली पावरफुल है। टॉमी ग्रेस को गन देके छुपने को बोलता और दो आयरिशमैन अंदर आते हैं। टॉमी उन्हें गन्स की लोकेशन देगा फॉर द राइट प्राइस और वो क्यू ऑफर करने ही वाला था पर ग्रेस बाहर आकर पॉइंट ब्लैंक शूट करना शुरू कर देती है। टॉमी को फाइट करनी पड़ी और स्टार्टिंग में वो हैंडल नहीं कर पाता लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के एक फ्लैशबैक के बाद वो कर लेता और पुलिस लेट आती है हमेशा की तरह। नेक्स्ट डे ग्रेस कैंपबेल से मिलती और अपना रेजिग्नेशन देती है। वो उन्हें गन्स की लोकेशन बता देगी पर उसकी शर्त यह है कि टॉमी को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। कैंपबेल को गन्स मिल जाती है और वो डैनी की ग्रेव्स पर ही थी। इतनी सारी गन्स में से एक मशीन गन मिसिंग है और ग्रेस अपना रेजिग्नेशन देती है। ये बुड्ढा सीधा चांस पे डांस मारता और उसे प्रपोज करता है जो वो काइंडली डिक्लाइन कर देती है। मैं इसकी जगह अगर होता तो चमेड़ मारता। अबे साले। खैर कैंपबेल अपने ग्रुप के साथ पीकी ब्लाइंडर्स पर स्ट्राइक करेगा और टॉमी को गन्स के बारे में पता चल जाता है। आर्थर पैसों के बारे में टॉमी को नहीं बताना चाहता इसीलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है पर वो फेल हो गया। टॉमी और ग्रेस फाइनली चाहिए जपाचाही करते हैं और ये सारी चीजें कैंपबेल देखकर अपना पिछवाड़ा चला रहा है। नेक्स्ट डे टॉमी आर्थर से मिलने आता और उसे बताता है कि वो गुस्सा नहीं है, प्लस वो तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं पूरी फर्म के, मतलब अगली बार उसे मरना हो तो सीधा गन का ही यूज करना जिससे वो लोग उसके मालिक बन जाए। टॉमी रिवील करता है कि आज ब्लैक स्टार डे है और इसीलिए गैंग प्रिपरेशन शुरू करती है। ग्रेस म्यूजियम जाती है कैंपबेल से मिलने लेकिन यहाँ ऑफिसर मॉस होते हैं जो उसे और बुलाकर चले जाते हैं। लेटर में भी यही लिखा है कैंपबेल के वर्ड्स में। और पॉली एडा से मिलती है और बताती है कि उसका भी सन था जो गवर्नमेंट ने उससे छीन लिया एज शी वाज इनटू ड्रग्स। टॉमी कभी भी ऐसा एडा के बेबी के साथ नहीं होने देगा क्योंकि अब वो पावरफुल लोग हैं, प्लस वो लोग आज फ्रेडी को जेल से बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए आंट पॉली चाहती है कि एडा उसे माफ कर दे। कैंपबेल विटसन चर्चिल को सारी इन्फो पास करता है और ये भी कि वो लोग आज पीकी ब्लाइंडर्स के बंबू लगाने वाले हैं। फैमिली मीटिंग में एडा की भी एंट्री होती है और उसने अपने सन का नाम कार्ल रखा
रखा है। नो डाउट उसका हस्बैंड एक कम्युनिस्ट है। वैसे वो काफी दिनों से जेल में सड़ रहा था, पर अचानक मारा हुआ डैनी उसे आके बचा लेता और उसके पास वही चुराई हुई मशीन गन थी। गैंग गैरिसन में ड्रिंक करती और ग्रेस बताना चाहती थी टॉमी को अपने बारे में, लेकिन आर्थर उन्हें डिस्टर्ब करता है। किम्बर बॉयज उन्हें डाउन करने आ रहे हैं, ऐसी न्यूज जरमाया उन्हें देते हैं जो ओल्ड गैंग मेंबर हैं। अब उनके पास यहाँ कम लोग हैं क्योंकि बाकी की पूरी टीम ली फैमिली के साथ रेक्स ट्रैक्स पर गई है, उन्हें खुद ही किम्बर्स का सामना करना होगा। पॉली और टॉमी को पता चल जाता है कि ग्रेस ने पुलिस को ब्लैक स्टार डे के बारे में बताया और पुलिस ने किम्बर को, पॉली बाद में ग्रेस से बात करती है जिसका पीसफुल रेजोल्यूशन लाया गया और उसमें पॉली ने धमकी मारी कि अगर वो ग्रेस को दोबारा देखेगी तो उसको गोली मार देगी। कैंपबेल सारी पुलिस फोर्सेस को स्मॉल ईच से निकाल लेता है ताकि दोनों गैंग्स की फाइट में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। दोनों गैंग्स सामने सामने आती है और ये लोग रियली आउट नंबर्ड हैं। टॉमी फ्रेडी को बुलाता है जिसके पास मशीन गन थी। बॉय ये बंदा रियली काफी टफ कम्युनिस्ट है, पर फाइट ब्रेक नहीं होती। अडा उन्हें रोक लेती है और नो मैन्स लैंड में अपने बेबी के साथ आ जाती है जिससे फाइट ना हो। किम्बर मौका देखकर टॉमी को शूट करता और दूसरी गोली फायर हो उससे पहले ही मरा हुआ डैनी ह्यूमन शील्ड भर के टॉमी को बचा लेता है। ली को लगा था कि उसने टॉमी को मार दिया, लेकिन नहीं, बाद में वो हेडशॉट का शिकार हुआ। उसके लोग बाद में फाइट शुरू नहीं करते और उसकी डेड बॉडी के साथ चले जाते हैं। मरे हुए डैनी की डेड बॉडी को लास्ट राइड्स के लिए ले जाया गया और बाद में टीम पार्टी करती है। टॉमी ग्रेस की विजिट लेता और वो उसे लव करती थी, इसीलिए वो अपने साथ उसे लंदन आने को कहती है। कैंपबेल प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके बताता है कि उसने अपने फ्यूचर के लिए एक डिसीजन लिया है। टॉमी आंट पॉली को बताता है कि अब वो लोग पूरे इंग्लैंड के तीसरे सबसे बड़े रेस ट्रैक ऑपरेशन है। उनके आगे डार्बी और सोलोमन है जिसे हम अगले सीजन में देखेंगे। टॉमी ग्रेस को लेटर भेजता है कि वो 3 दिन के बाद रिप्लाई देगा और कैंपबेल यहाँ रेलवे स्टेशन में ग्रेस से मिलता है और उसके सामने गन तान देता है। हमें एक फायर की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।